हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ दो प्रोडक्ट जो हमारे ब्यूटी टूल हैं ये कह सकते हैं वो शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, जैसे कि आपने टाइटल में देखा गुआशा एंड साथ ही साथ उसके साथ मैं जेड रोलर शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारा वीडियोज़ मिल जाएंगे, तरह तरह की क्वालिटी वाले जेड रोल एंड गुआशा मिल जाएंगे, बट मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो है मार्श से मैंने बाय किए हैं। तो कुछ इस तरीके की क्यूट सी मुझे पाउच में जो है ये रिसीव हुए हैं, बहुत ही क्यूट है। एंड ये जो है हमारे एक तरीके से ब्यूटी टूल है, हर चीज़ का टूल होता है उसी तरीके से टूल है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ गुआशा। तो ये लोग ना बड़ा किफ़ायत से भेजते हैं इस तरीके से इसमें रैप करके, ताकि स्टोन है एक तरीके का, तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं एंड ये स्टोन ही है। और इस स्टोन का एक नाम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं हो सका तो मैं मेंशन कर दूंगी। तो इस तरीके को ना ये जो जॉ लाइन होती है ना हमारी, ये इसको करने में आता है। जैसे कि चाइनीज लोग होते हैं, पहले चाइना में ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ होती थी, बट अभी धीरे धीरे करके करके ये ना जो इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और अदर ब्रांड के भी मिलते हैं, बट ये ब्रांड का जो है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में जो है आपको मिल जाता है। तो ये जॉ लाइन के लिए होता है, जिसकी जॉ लाइन शार्प करने के लिए। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको मैं बता दूँ कि आपको एम्प्टी फेस, मतलब खाली फेस पे नहीं करना है, जैसे कि खाली फेस से तो नहीं करना है। आपने कोई सीरम अप्लाई करना है, एलोवेरा जेल या और कोई भी फेशियल ऑयल हो, जो भी हो, आप वो अप्लाई करने के बाद इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। एंड आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, फ्रिज में रखने के बाद भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रिज के साथ साथ अगर आइस वाटर है तो आप उसमें डिप करके भी इस तरीके से जो है अपनी जॉ लाइन पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप है ना इसको जो है हफ्ते में एक बारी जो है सिर्फ एक या दो बारी करें, ज़्यादा नहीं करें इसको, इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। फ़िलहाल तो मैं अपने फेस पे इसको अभी अप्लाई नहीं करूँगी, मैं आफ्टर डिलीवरी इसको जो है अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और इसका रिज़ल्ट आप लोगों को दिख जाएगा मेरे फेस पे। फ़िलहाल क्योंकि मेरे चेहरे पे अभी पफिनेस ज़्यादा रहती है, स्वेलिंग ज़्यादा रहती है। देन उसके बाद है मेरे पास जेड रोलर, पर इनके नाम भी ना मुझे बड़े क्यूट से लगे, एक गुआशा एंड जेड रोलर। तो जेड रोलर आप लोगों ने बहुत देखा होगा, हर जगह देखा होगा आजकल, मतलब चल रहा है, इतना ट्रेंड में है। ये भी एक स्टोन है और ये भी स्टोन है, दोनों साइड स्टोन होते हैं, एक बड़ा स्टोन एक छोटा स्टोन देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं। तो ये होता है यहाँ के लिए, जैसे सोने के बाद में बहुत सारी पफिनेस होती है, तो इसको कम करने के लिए इस तरीके से, आपकी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स होते हैं ये सब चीज़ों के लिए। और बहुत ठंडा होता है, लिटरली बहुत ठंडा होता है ये, इस तरीके से करने से तो आपका फेस ना बहुत ज़्यादा अच्छा और मतलब शेप्स में दिखेगा। इस तरीके से आप इसको ऊपर की साइड इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़, आप इसको भी सेम फ्रिज में रख के यूज़ करें। एंड इनका बाय लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एंड अगेन मैं आपको बोलूँगी इसको भी आपको खाली फेस पे जो है अप्लाई नहीं करना है, आपने कोई फेशियल जेल या कुछ भी ऐसा लेना है ऑयल वगैरह उसको अप्लाई करना है अपने फेस पे, देन आपको ये यूज़ करना है। आप इसको मॉर्निंग और नाइट में, मतलब एक दिन में दो बारी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, डे मॉर्निंग एंड नाइट दो बारी कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी असर मिल जाएगा इसका। एंड ये छोटा वाला है वो आपके आइस के एरिया के लिए है, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लिटरली बहुत अच्छा फील होता है, लिटरली बोल रही हूँ। और फिलहाल ना मैं एक चीज़ और बताऊँगी कि भाई मेरा फेस में जितना पफिनेस, मतलब जितना स्वेलिंग्स है मेरे फेस में, ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा स्वेलिंग है, तो ये जो मुझे ना पेन देती है, तो मैं इस टाइम पे ना इसको इस तरीके से करती रहती हूँ ना, मेरे को बड़ा एकदम बहुत बहुत ज़्यादा रिलैक्स जो है फील होता है। तो वैसे करना तो अप साइड में, ऊपर की साइड में आप लोगों को इस तरीके से करना है ना। और छोटा वाला एरिया आपको आइज़ वाले एरिया में, जो आपके डार्क सर्कल हैं या
किसी किसी को हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इनका खुद का एक वो सीरम भी मिलता है, तो आप वो मार्श का सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं पिक दे दे रही हूँ और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और जब सीरम वगैरह आप सेम चीज़ करेंगे ना, सीरम मार्श का और मार्श का ही ग्वार ये जेड रोलर और ग्वाशा यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ये करने से क्या होता है कि जो सीरम क्रीम या जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी स्किन में ना अंदर तक जाती हैं, और स्किन अच्छे से जो हमारी स्किन में सीरम और क्रीम वगैरह जो भी होती है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है हमारी स्किन में। तो इसलिए इसको जो है इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है, खाली फेस पे नहीं करना है, ठीक है? तो आप बाय कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। थैंक यू, बाय बाय।